देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में, जहां कांग्रेस पार्टी के रजौरी गार्डन जिला से जिला सचिव अनवर मिर्जा ने सभी समुदाय के लोगों के साथ मिलकर रजौरी गार्डन इलाके में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं अनवर मिर्जा ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की है। सर, मैं सबसे पहले मैं अपने सैनिकों को बहुत जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और आज जो देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस की बधाई थी, हम सब आज सर मेरे साथ लोग खड़े हैं, बधाई देते हैं। और बहुत खुशी, 74वां गणतंत्र दिवस आज हमारा देश आज़ादी का है, उस पर हम शुभकामनाएं देते हैं। क्या लगता है 74? सर, पहले की स्थिति में और स्थिति में बहुत फ़र्क है। पहले की आपने हालात देखे क्या थे, कितना अच्छा था। आज जो हालात चल रहे हैं, हमें आज बड़ी तमन्ना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो लाल किले से सिर्फ बेरोजगारी की जरूर बात करेंगे, वो जो आज स्थिति बिगड़ी हुई उसकी जरूर बात करेंगे, लेकिन वो पड़ोसी देशों की बड़ी चिंता है उनको, मेरे को समझ नहीं आती। पड़ोसी देश से आपको चिंता भी है, पड़ोसी देश के साथ आपको रहना भी मिलजुल कर, मुझे समझ नहीं आते। आज सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान के अंदर महामारी, वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की है, महंगाई की है। महंगाई की बात तो करते नहीं है, बेरोजगारी की बात करते नहीं है, सिर्फ उनको अपनी वाहवाही लूटनी है, सिर्फ पड़ोसी देशों के नाम लेकर। हमें पड़ोसी देश से थोड़ा जीना है, हमें तो हिंदुस्तान में जीना है। हमारे सैनिक जो आज बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, हमारे को उनकी बात कर रहे हैं। हमारे जो लोग बेरोजगार हैं, हमें उनकी बात कर रहे हैं। आज जो स्थिति बिगड़ी पड़ी उसकी बात कर रहे हैं। कोरोना की जो बीमारी चल रही है इस टाइम से, उससे हमें बाहर निकलना है। और हम आशा करते हैं, हम दुआ करते हैं ऊपर से कि जल्द से जल्द कोरोना की बीमारी हटे और हमारे जो लोग हिंदुस्तान के वो बेरोजगारी से भी दूर हों और जल्द से जल्द सबके काम कारोबारों में तरक्की हो।